पोलराइजेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आई माइनस उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज की क्लास में हम सीखेंगे आयनिक बॉन्ड एंड फजान्स रूल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की मदद से। सपोज हमारे पास सोडियम है Na। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8 और 1। तो सबसे बाहर वाले शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्लोरीन है और इसका जो सबसे बाहर वाला शेल है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था ऑक्टेट रूल, जो ये कहता है कि कोई भी एटम ये चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। तो इसका जो अंदर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमने देखा। और ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह, एक एटम से दूसरे एटम में। ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। Na था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये बन गया Na प्लस। हमारे पास क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये बन गया Cl माइनस। तो अब हमारा Na प्लस और Cl माइनस इनके बीच में एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड। समझ आया आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है लैटिस एनर्जी। लैटिस का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट। लैटिस का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट। किसी भी चीज की स्पेस में अरेंजमेंट कैसी होती है, 3D अरेंजमेंट। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं लैटिस एनर्जी की। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका? हमने अभी हम एक आयनिक कंपाउंड पढ़ा NaCl। NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस और Cl माइनस होता है इसके अंदर। अब NaCl जो है वो एग्जिस्ट करता है एक लैटिस की फॉर्म में। लैटिस मतलब एक Na होता है और उसके चारों तरफ 6 Cl माइनस प्रेजेंट होते हैं, एक इसके पीछे और एक इसके आगे। इसको हम इससे समझ सकते हैं, NaCl इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये जो रेड सर्कल्स है ये हमारे सोडियम है, रेड वाले सर्कल्स Na प्लस है और ब्लू वाले सर्कल्स जो है Cl माइनस है। अब आप देखोगे ये एक सोडियम है हमारे पास Na प्लस, ये जो है ये Na प्लस है। जितने भी रेड सर्कल्स हैं ये हमारे सोडियम है और ब्लू वाले सर्कल्स क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक सोडियम है यहाँ पे Na और इसके चारों तरफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक सोडियम के चारों तरफ 6 Cl माइनस है और उसी तरह हर क्लोरीन के चारों तरफ 6 Na होंगे। एक Na के चारों तरफ 6 Cl है और एक Cl के चारों तरफ 6 Na और ये इस तरह प्रेजेंट होता है। सॉलिड NaCl, ये है हमारा सॉलिड NaCl का स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लैटिस, क्योंकि ये 3D अरेंजमेंट है इसकी स्पेस में। कि NaCl असल में दिखता कैसा है, NaCl ऐसा दिखता है और ये हमारा NaCl का लैटिस है, ठीक है। अब इस लैटिस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ये हमारा NaCl का लैटिस है,
इसको हमें पूरा ब्रेक कर देना है, इस लैटिस को हमें ब्रेक कर देना है, एन ए अलग कर देना है और सी एल माइनस अलग कर देना है। अभी ये एन ए है, ये सी एल है, ये पास में है, इनके बीच में बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके इनको दूर दूर कर देना है और सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर देने हैं हमें, सारे जितने भी है। तो इस लैटिस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब इसको वापस से रीड करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब समझ आया, हमें सेपरेट करना है एक मोल आयनिक कंपाउंड को, एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में या सेपरेट करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और NaCl के केस में हमारी लैटिस एनर्जी होती है 788 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, NaCl की लैटिस एनर्जी इतनी होती है। समझ आया लैटिस एनर्जी, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे हम पढ़ते हैं फजांस रूल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने फजांस रूल पे। फजांस रूल, इट स्टेट्स दैट स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। अभी पढ़ के कुछ समझ नहीं आया होगा, इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई कैटायन है Na, ये हमारा कैटायन है, कैटायन छोटा होता है। एक कोई मेरे पास अनायन है Cl, सपोज कोई सा भी अनायन हो सकता है, ठीक है, ये मेरे पास अनायन है, ये इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। अब क्या करता है ये जो कैटायन है, ये अनायन को अपनी तरफ पुल कर लेता है और जो अनायन है इसकी शेप चेंज हो जाती है। ये कैटायन था हमारा और ये अनायन था, कैटायन ने अनायन को अपनी तरफ खींच लिया और अनायन की शेप चेंज हो गई। अब ये ऐसा दिखने लग गया, पहले ये स्फीयर था, अब इसकी शेप चेंज हो गई और ये ऐसा हो गया। ठीक है, कैटायन था, उसने अनायन को अपनी तरफ खींचा, उसकी शेप चेंज हो गई और अनायन ऐसा दिखने लगा। इस चीज को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन, अनायन की शेप चेंज हो गई, डिस्टॉर्शन हो गया। और ये चीज इसको हम केमिस्ट्री की टर्म्स में बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पोलराइजेशन क्या होता है तो आप बोलोगे पोलराइजेशन इज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन बाय कैटायन। कैटायन की वजह से अनायन की जो शेप है या इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो खराब हो गया, उसमें डिस्टॉर्शन आ गया। इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड था ये आयनिक बॉन्ड था, लेकिन अब ये जो है आयनिक बॉन्ड जैसा नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा दिख रहा है। पोलराइजेशन की वजह से जो है डिस्टॉर्शन हुई, इसकी शेप चेंज हो गई। अब ये ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रखे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, इस केस में ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं और हमारे बॉन्ड के पास कुछ कोवेलेंट करेक्टर आ गया, हमारे बॉन्ड के पास कुछ कोवेलेंट करेक्टर आ गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब फजान ने क्या बोला, फजान ने बोला कि स्मॉलर द कैटायन, ये कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। स्मॉलर कैटायन, फजान ने बोला कि जितना स्मॉलर कैटायन होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन मतलब उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतनी ज्यादा खराब हो जाएगा, और जितना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगी उतनी ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो अब हमने फाइनली ये सीखा कि जितना छोटा हमारा कैटायन होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी और उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। ठीक है, तो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ
कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ये हमें फजान्स रूल बताता है, और फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जितना छोटा कटायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। या फिर पहला पॉइंट तो ये हो गया, जितना छोटा कटायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जो यहाँ पे लिखा हुआ था स्मॉलर द कटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। और दूसरा पॉइंट ये है कि लार्जर द अनायन, जितना बड़ा अनायन होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इन शॉर्ट फजान्स रूल से हमें यह पता चला कि हमारा कटायन छोटा होना चाहिए और अनायन बड़ा होना चाहिए। जितना छोटा कटायन होगा और जितना बड़ा अनायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो आपको बस दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि अनायन छोटा होना चाहिए और कटायन नहीं, कटायन छोटा होना चाहिए और अनायन बड़ा होना चाहिए। और पोलराइजेशन अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो पोलराइजेशन होता है अनायन का जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये खराब हो जाता है, अनायन की शेप खराब हो जाती है ड्यू टू कटायन। इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ मुझे। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक या फिर यहाँ पे कोवेलेंट लिख लो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। पहला ए पार्ट करते हैं, हमें बताना है कि कोवेलेंट करेक्टर किस में ज्यादा है। फजान्स रूल ने क्या बोला था कि स्मॉलर कैटायन होना चाहिए या फिर लार्जर अनायन होना चाहिए, दोनों ही केसेस में हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। ए पार्ट करते हैं इसका, पहला है NaCl, NaBr और Nai। NaCl ब्रेक करेगा Na प्लस और Cl माइनस में, NaBr ब्रेक करेगा Na प्लस और Br माइनस में, और Nai ब्रेक करेगा Na प्लस और I माइनस में, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि Na तो कॉमन है, Na में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम Na पे ध्यान नहीं देंगे। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में, मतलब हमारे अनायन में डिफरेंस आ रहा है। अब अनायन जो सबसे बड़ा होगा उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इन तीन अनायंस में से जोन सा भी अनायन सबसे बड़ा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब हमारी पीरियोडिक टेबल में ऐसे होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं और ऐसे प्रेजेंट होते हैं। हमने सीखा था कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, तो सबसे बड़ा आई माइनस होगा। तो अगर हम साइज की बात करें तो सबसे बड़ा आई माइनस होगा, उससे छोटा बी आर माइनस और उससे छोटा सी एल माइनस। अब जितना ज़्यादा बड़ा अनायन होगा उतनी ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो अगर हम कोवेलेंट करेक्टर की बात करें, अगर हम कोवेलेंट करेक्टर की बात करें, आई माइनस सबसे बड़ा है, लार्जर अनायन मोर कोवेलेंट करेक्टर, तो एन ए आई में कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एन ए बी आर में और सबसे कम एन ए सी एल में, ठीक है। तो ऐसे होते हैं हमारे फजान्स रूल के क्वेश्चन कि वो आपसे पूछेगा कि कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है। तो आपको कटायन और अनायन देखने हैं। इस पर्टिकुलर केस में कटायन था कॉमन, डिफरेंस कहाँ था अनायन में, तो हमने देखा कौन सा अनायन सबसे बड़ा है, जो अनायन सबसे बड़ा था उसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर था, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बी पार्ट है हमारा LiCl, NaCl और KCl। इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर किस में है। LiCl ब्रेक करेगा Li प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस ब्रेक करेगा NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में, और KCl इसमें ब्रेक करेगा, ठीक है। अब हमारा Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस ये तो सेम है, तो इस पर तो हम ध्यान देंगे नहीं। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है कैटायन में,
ये अलग अलग कैटायन है। अब स्मॉलर कैटायन बजांस रूल ने हमें सिखाया था, स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है ये सिखाया था। अब इनमें से सबसे छोटा कैटायन जो होगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। सबसे छोटा कैटायन कौन सा है? हमारे पीरियोडिक टेबल में लिथियम, Na और K ऐसे प्रेजेंट होते हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम और सबसे बड़ा पोटेशियम। तो कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा? लिथियम सबसे छोटा है, स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट, तो LiCl में सबसे ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर, उससे कम NaCl में और सबसे कम KCl में। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है इसे नोट कर लो। और उसके बाद ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन खुद से करके देखो, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगी। अब करते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। सी पार्ट हमारे पास है BeF2, ये ब्रेक करेगा बेरिलियम 2 प्लस और F माइनस में MgF2, ये ब्रेक करेगा Mg2 प्लस और F माइनस में CaF2, ये ब्रेक करेगा Ca2 प्लस और F माइनस में, ठीक है। अब F माइनस सब में सेम है, तो इस पे तो हम ध्यान देंगे नहीं। हम ध्यान किस पे देंगे? Be, Mg और Ca, हम इन पे ध्यान देना है। बेरिलियम, Mg और Ca हमारी पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो अगर हम साइज देखें तो बेरिलियम का सबसे छोटा 2 प्लस चार्ज इसलिए लगाया क्योंकि दो एफ हमारे पास थे, ठीक है Mg2 प्लस और उससे बड़ा कैल्शियम 2 प्लस। अगर अब हम कोवेलेंट करेक्टर की बात करें तो फजांस रूल ने सिखाया हमें स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट करेक्टर, बेरिलियम छोटा है तो कोवेलेंट करेक्टर इसका ज्यादा होगा, उससे कम MgF2 में और सबसे कम CaF2 में, ठीक है। तो ऐसे हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, इतना नोट करो, फिर एक चीज है वो और सीखते हैं। इसके बाद अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। अभी तक हमें लगाना था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, वो हमने देखा था स्मॉल कैटायन हो या फिर लार्ज एनायन हो उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। अब हमें लगाना है इसे पोलराइजिंग पावर के उस ऑर्डर में। ऑप्शन है हमारे पास Na प्लस, लिथियम प्लस और K प्लस। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये पोलराइजिंग पावर क्या होती है। हमने देखा कैटायन था, अनायन था, कैटायन ने अनायन को अपनी तरफ खींच दिया और उसकी शेप चेंज कर दी और अनायन कुछ ऐसा दिखने लग गया, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर होती है पुलिंग एबिलिटी ऑफ कैटायन, पुलिंग एबिलिटी ऑफ कैटायन। देखो इस पूरे प्रोसेस को तो हम बोलते हैं पोलराइजेशन। कैटायन ने अनायन को अपनी तरफ खींच लिया, उसकी शेप चेंज कर दी, इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। लेकिन कैटायन की जो एबिलिटी है अनायन को अपनी तरफ खींचने की और उसकी शेप को खराब करने की, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। कैटायन की एबिलिटी अनायन की शेप खराब करने की, डिफॉर्म करने की, उसको हम बोलते हैं क्या? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। और अब एक पॉइंट लिख लो कि स्मॉलर कैटायन, जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसकी, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। मतलब जितना छोटा कैटायन होगा वो उतना ज्यादा जो नेगेटिव वाला है अनायन है उसकी शेप खराब करेगा, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी।
या फिर हम कह सकते हैं मोर चार्ज। कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। या तो हमारे कैटायन को छोटा होना होगा या फिर उस पर चार्ज ज्यादा होगा। मोलर कैटायन हो या फिर ज्यादा चार्ज हो, दोनों ही केस में उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि स्मॉलर कैटायन ये। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है Na+, Li+ और K+। सबसे पहले तो इसको साइज के उसमें अरेंज करते हैं ऑर्डर में। पीरियोडिक टेबल में ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करते हैं, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा Na का और सबसे बड़ा K का। अब हमने देखा कि स्मॉलर कैटायन मोर पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी Li+ की, ठीक है, उससे कम Na की और सबसे कम K की, क्योंकि स्मॉल कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर। हमारा कैटायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सेम यही करना है, अरेंज करना है आपको पोलराइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और Al3+ ये तीन है और आपको अरेंज करना है पोलराइजिंग पावर के ऑर्डर में। हमने ये सीखा था कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। इसके पास है प्लस वन का चार्ज, इस पे है प्लस टू का चार्ज और इस पे है प्लस थ्री का चार्ज। सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? एल्यूमिनियम पे, तो एल्यूमिनियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, उससे कम Mg2+ की और सबसे कम Na+ की। ठीक है, ये तो ये हमारा आंसर हो गया, इसे नोट कर लो। फिर इसके फजांस रूल के बारे में एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये फजांस रूल टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक पॉइंट है इसके बारे में, वो ये है कि कॉपर एंड जिंक फैमिली, कॉपर एंड जिंक फैमिली हैव हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। जो कॉपर और जिंक वाले फैमिली है उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कॉपर है, इसके नीचे आता है सिल्वर और उसके नीचे आता है गोल्ड। जिंक, इसके नीचे होता है कैडमियम और मरकरी। अब ये जो छह एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये छह हो गए कॉपर, जिंक और इसके नीचे, इसलिए हम इसको कॉपर फैमिली और जिंक फैमिली बोल रहे हैं। मतलब कॉपर के नीचे सिल्वर और गोल्ड, जिंक के नीचे कैडमियम और मरकरी। इनके पास होता है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। इन छह को आप एज अ एक्सेप्शनल केस याद कर लो या कैसे भी याद कर लो कि ये छह एलिमेंट्स हैं, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा मैक्सिमम होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि CuCl और NaCl इसमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि CuCl ज्यादा कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इन छह के जो है कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा मैक्सिमम होता है। आप ना साइज देखोगे ना चार्ज देखोगे, बस ये छह एलिमेंट्स दिखे तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आप कह दोगे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है फजांस रूल के बारे में। तो यहाँ पे आज हमने सीखा आयनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी और फजांस रूल। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।